लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धुर विरोधियों का यह दावा था कि जेडीयू लोकसभा की 5 से 7 सीट ही जीत पाएगी, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आए तो नीतीश बाबू के विरोधियों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि नीतीश बाबू ने लोकसभा की 12 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। साथ ही देश की सत्ता की दशा दिशा तय करने में उनकी अहम भूमिका सबके सामने आ गई। हैरानी की बात यह रही कि नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता नीतीश बाबू को लेकर काफी सॉफ्ट हो गए। तेजस्वी यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चाचा जी को रिझाने के लिए तमाम तरह के सकारात्मक बयान देने लगे, लेकिन नीतीश बाबू ने साफ कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। बिहार में विरोधियों को उम्मीद नहीं थी कि जेडीयू इस बार ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन करेगी। नीतीश बाबू और बीजेपी को 12 लोकसभा सीटें मिली, यानी नीतीश बाबू इस बार बीजेपी के सामने बराबरी के साथ खड़े दिखेंगे। नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू को 2024 के लोकसभा चुनाव में 18.52% वोट मिले हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो महिलाएं, अति पिछड़े, दलित, महादलित के साथ सवर्ण वोटरों का साथ इस बार जेडीयू को मिला है। यानी नीतीश बाबू ने जिस वोट बैंक को तैयार किया है वो आज भी उनके साथ ही खड़े हैं। इसलिए अगले विधानसभा चुनाव में भी बिहार की सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही हाथों में रहेगी। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि नीतीश बाबू ने इतने लंबे अरसे से अपनी सियासी ताकत कैसे कायम रखी है। आखिर कैसे इतने लंबे अरसे तक नीतीश बाबू ने बिहार में अपनी लोकप्रियता कायम रखी है, इन सवालों पर रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि लालू यादव जैसे कद्दावर नेता भी माय जैसे ठोस समीकरण के साथ बिहार में नीतीश बाबू के सामने नाकाम ही रहे हैं। दरअसल लंबे अरसे तक सत्ता की कालकोठरी में रहने के बावजूद नीतीश बाबू की छवि बिल्कुल बेदाग रही है। आज तक उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। नीतीश बाबू की ये छवि बिहार की जनता को काफी पसंद आती है। वहीं नीतीश बाबू की संयमित भाषा से बिहार के लोग प्रभावित हैं। बीजेपी और आरजेडी के नेता जब भी बयान देते हैं लगता है आग उगल रही हूं। लेकिन नीतीश बाबू की भाषा विरोधियों के लिए भी काफी संयमित रही है। नीतीश बाबू की ये मर्यादा बिहार के लोग काफी पसंद करते हैं। यानी व्यक्तिगत छवि के मामले में नीतीश बाबू के सामने बिहार में कोई नेता टिकता ही नहीं है। नीतीश बाबू ने बिहार की महिलाओं की तकदीर बदल दी है। नीतीश बाबू ने बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है। प्राइमरी स्कूल में टीचर की बहाली में नीतीश सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। साथ ही नीतीश बाबू ने बिहार में पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। इससे महिलाओं को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। साथ ही महिलाओं के कहने पर ही नीतीश बाबू ने शराबबंदी कानून को लागू किया था। इससे घरेलू हिंसा से महिलाओं को निजात मिली। यानी एक तरह से महिलाओं को सशक्त करने में नीतीश बाबू की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इसलिए किसी भी सूरत में महिलाएं नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू के साथ ही खड़ी रहती हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण में नीतीश बाबू की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही महादलित समाज के हितों का ख्याल नीतीश सरकार ने ही रखा है। इसलिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महादलित वोटर भी जेडीयू के साथ ही खड़े रहते हैं। साफ है कि अब अगले विधानसभा चुनाव में भी बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश बाबू ही रहेंगे। नीतीश बाबू के इर्द गिर्द अगले 5 साल देश और बिहार की राजनीति चलेगी, भले ही विरोधी क्यों ना हल्ला मचाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।